ओके सो वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। मेरा नाम आर्यन विश्वकर्मा है और मैं इस प्रोग्राम का फैकल्टी रहूंगा। छोटा सा सेशन हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोकायोके। पोकायोके जिसे कि इंडस्ट्री में हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट है पोकायोके का और क्यों इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे एज ए प्रोफेशनल हम इसको यूज करें, कंपनियों को क्यों यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, क्या टाइप्स वगैरह होते हैं इसके, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में इस सेशन में जानेंगे, ठीक है ना। उसके पहले कुछ लोग हो सकता है कि पहली हाँ बार जुड़ रहे हो प्रोग्राम में, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ क्वालिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ताकि सबको क्वालिटी ऑफ इंडिया के बारे में पता हो। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ इंडिया एंड नाइस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, हम बेसिकली ट्रेनिंग कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज में हम लोग डील करते हैं। एंड वी हैव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरे तरह के बाकी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट हम करते हैं। हमारा विजन जो है टू बिकम वर्ल्ड लीडिंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, टू इम्प्रूव द वर्क, टू इम्प्रूव द वे ऑर्गेनाइजेशन वर्क। तो हमारे जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना, उनके ट्रेनिंग नीड को फुलफिल करना, उनके लोगों के कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करना थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ये हमारा एम रहता है, ठीक है। एंड वी आर इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर आपकी कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के लिए, कोई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्राइव करना है, क्वालिटी सर्कल, काइजन, 5S, लीन सिक्स सिग्मा, किसी भी लेवल का सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन या प्रोजेक्ट को ड्राइव करना है, या ऑपरेशनल एक्सीलेंस के प्रोग्राम को रन करना है, वी विल बी हेल्प मीन्स हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंसल्टिंग, 9001, 14001, 45001, IIT16949, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एसोसिएट्स के लिए हो सकता है, वर्कर्स या स्टाफ के लिए, इंजीनियर्स के लिए हो सकता है। अलग अलग तरह के जो सर्वेज होते हैं कंपनियों में, काफी सारी कंपनियां अपने कस्टमर्स का सर्वे करवाती है, मार्केट सर्वे कराती है, सप्लायर सर्वे करवाती है, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर ऑडिटिंग के सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करवाने में, या आपके बिहाफ में आपके सप्लायर का ऑडिट या डेवलपमेंट भी हम करवा सकते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ की एरिया है जो कि हम हैंडल करते हैं, डायरेक्टली डील करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके अलावा भी कुछ कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और रिक्वायरमेंट अगर होगी तो हम कस्टमाइजेशन करते हैं। As far as quality of India is concerned, we are certified 9001 organization, 14001, 29990 certified organization. हमारा कोलाबोरेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME के साथ में, फॉर डेवलपिंग वेरियस कोर्सेज फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है काउंसिल फॉर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल क्वालिटी फेडरेशन और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन से एक्रेडिटेड भी है। इससे हमारा जो कोर्सेस है ग्लोबली वैलिड है, और आप इनके अक्रेडिशन को उनके वेबसाइट पे, यानी कि अगर काउंसिल फॉर सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन या इनके वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको हमारा डिटेल्स दिख जाएगा। ये MOU साइनिंग सेरेमनी था जो कि हमने MSME के साथ में किया था। ये मेरे बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है। बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर, और मैंने सिक्स सिग्मा पे ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट किया। मैं लीड ऑडिटर इन वेरियस सिस्टम्स एंड सर्टिफाइड ट्रेनर एंड सर्टिफाइड कोच। तो किताबें मैंने लिखी है, एक किताब है मैनेजमेंट थॉट्स ऑन क्वालिटी फॉर एवरी मैनेजर्स, और दूसरी किताब जो आज का सब्जेक्ट है उसी पर मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, मिस्टेक प्रूफिंग सिंप्लीफाइड एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इंडियन सिनारियो को नजर में रखते हुए मैंने ये किताब लिखी थी मिस्टेक प्रूफिंग पोकायोके के बारे में, क्या पोकायोके कैसे इवॉल्व हुआ, क्या होता है, किस तरह के टाइप्स होते हैं, किस तरह के इसमें डिवाइसेस इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था, कैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत सारे इसमें मोर देन 100 एग्जाम्पल्स हमने इसमें शेयर किए हैं। इंडियन अचीवर अवार्ड हमें मिला है 2021-22 के लिए, हमारे कंट्रीब्यूशन के वजह से जो हमने इंडस्ट्री को दिए हैं। ये कुछ हमारे की क्लाइंट्स हैं, और हर महीने नए नए क्लाइंट्स हमसे जुड़ते हैं, हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। हमारा एप्पल स्टोर में ऐप है क्वालिटी ऑफ इंडिया का, गूगल के प्ले स्टोर में भी हमारा ऐप है, आप उन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू से हमारे कोर्सेज को आप बाय करके घर बैठे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने करियर को
इम्प्रूव कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स मोर देन 50-60 कंट्रीज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, काफी लोगों ने कोर्सेज को कंप्लीट किया है और उसके बाद में नए कोर्सेज को खरीदते हैं। लगातार उनके कैरियर में उनको ग्रोथ मिलता है, लर्निंग होती है, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है, मैनेजमेंट उनसे सेटिस्फाइड होती है और उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो ग्रो करता है। तो सिक्स सिग्मा में हर एक लेवल के सर्टिफिकेशन हमारे पास में है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। व्हाइट बेल्ट फ्री है, किसी ने अगर व्हाइट बेल्ट को नहीं लिया है कोर्स को तो आप लॉग इन करके व्हाइट बेल्ट को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और सर्टिफाइड भी हो सकते हैं, आपको ई सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाएगा। बाकी जनरली जो कोर्सेस हमारे हैं 1500 रुपीज से नीचे के जो कोर्सेज है उसमें ई सर्टिफिकेट मिलता है और उसके ऊपर के जो कोर्सेज है तो उसमें हम हार्ड कॉपी स्टूडेंट्स के एड्रेस पे लैमिनेटेड कॉपी हम भेजते हैं। बाकी इंटरनल ऑडिटर पे काफी सारे कोर्सेस हैं, इंटरनल ऑडिटर में 9001, IATF, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए ISO 13485 उसके इंटरनल ऑडिटर कोर्स है, 14001 है, 45001 है और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का भी इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। मैनेजमेंट सिस्टम में अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, काफी सारे लोगों का ऑडिटर नहीं बनना होता है लेकिन उनको ऑडिटर ही बनना होता है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट में अपने एरिया में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, तो उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा कोर टूल्स काफी लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं लगभग लगभग हर एक प्रोफेशनल्स के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारे हमारे कोर टूल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल और रूट कॉज एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स ATPDCA3, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टोडा प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू क्वालिटी सर्कल ये कुछ कोर्सेस हैं। इसके अलावा 4M चेंज मैनेजमेंट बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है और हमारे कोर्सेज को हम इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को नजर में रखते हुए डिजाइन करते हैं और कोर्स को हम डायनामिक रखते हैं, यानी कि कोर्स का जो कंटेंट रहता है हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, और हमारे अगर स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमको लगता है कि रिलेवेंट है और उससे रिलेवेंट कुछ केस स्टडीज या कुछ मॉड्यूल्स और ऐड करने चाहिए तो हम उस पर काम करते हैं जो रिलेवेंट बिल्कुल होता है। TPM का कोर्स है, TQM का कोर्स है, सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर है, बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स है, ASQ के साथ में अलाइंड है और काफी सारे हमारे जो कोर्सेस हैं इसमें काफी सारे मतलब इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजर है, सर्टिफाइड ऑपरेशनल एक्सलेंस मैनेजर है, सर्टिफाइड PPC प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड सप्लायर क्वालिटी प्रोफेशनल है जो कि लास्ट मंथ में लॉन्च हुआ था और एक और कोर्स लॉन्च हुआ अभी रिसेंटली, इसमें ऐड अभी नहीं किया हुआ है, सर्टिफाइड क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्योंकि बहुत सारे इंस्पेक्टर रहते हैं जो कि अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, काफी सारे लोग गल्फ में जाके काम करते हैं और वहां पर इंस्पेक्शन का काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें कि इंस्पेक्शन के लिए काफी जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें वेल्डिंग से रिलेवेंट और उसके टेस्टिंग से रिलेवेंट काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को हमने कवर किया हुआ है। मिनिटैब एक्सपर्ट है, 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट्स है, ये भी बहुत एक्सक्लूसिव कोर्सेस है और काफी कम ऑर्गेनाइजेशन इस तरह कोर्सेज करवाती है। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सक्लूसिवली अगर 5S काइजन को अगर ड्राइव करना है, लीन को अगर ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे, कैसे सिस्टम को बनाएंगे, डेवलप करेंगे, टीम फॉर्मेशन करेंगे, सारी चीजें एंड टू एंड आपको बताई जाती है विद केस स्टडीज। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स और एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है और बेसिक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है। ये कुछ कोर्सेस है जिस पर अभी काम चल रहा है, सर्टिफाइड प्रोडक्शन प्रोफेशनल, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट और सर्टिफाइड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिटर। यूट्यूब चैनल आप लोग का साथ काफी सालों से बना हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि कुछ फ्री में भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम लेके आए और हम हमेशा महीने में कम से कम 3-4 वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं हमारे क्वालिटी हब इंडिया चैनल में, जिसमें कि क्वालिटी, लीन, सिक्स सिग्मा और बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप से ऊपर काफी सारे वीडियो मॉड्यूल्स रहते हैं हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है टेक्निकल हब इंडिया, जहाँ पर कि टेक्निकल वीडियोज हैं। थर्ड चैनल हमारा है ज्ञान ज्ञान ज्योति इंडिया, जिसमें स्पिरिचुअल कंटेंट्स हैं। तो ज्ञान ज्योति इंडिया में भी करीबन करीबन 1,40,000 सब्सक्राइबर हैं और क्वालिटी ऑफ इंडिया में 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसे ही आप साथ देते रहिएगा और अपने
जो कमेंट रहते हैं आप वीडियो को देखने के बाद में यूट्यूब में, आप कमेंट भी डाल सकते हैं कि अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, कुछ एक्सक्लूसिव चीजें चाहिए, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। जो जो रिलेवेंट हो पाता है हम जरूर उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ऑफिस है और जैसा कि मैंने बताया था, इंडियन अचीवर अवार्ड मिला है हमें 2021-22 के लिए। हमारा जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल बिल्डिंग में, और इसके अलावा ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड हमें मिला 2022 में, और इंडस्ट्री आउटलुक मैगजीन ने टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट के तौर पे वर्ल्ड ऑफ इंडिया को आइडेंटिफाई किया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सारे सपोर्ट के लिए। अब आते हैं हम हमारे जो आज का जो कंटेंट है उस पर आते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में लास्ट में हम छोटा सा एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे, और आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, सुझाव रहेंगे इस बोकायगो प्रोग्राम के बारे में जो आप भी ले रहे हैं, या इसके अलावा कोर्स के बारे में किसी की अगर कुछ क्वेरी वगैरह हो तो भी आप पूछ सकते हैं लास्ट। दोस्तों ये मिस्टेक प्रूफिंग जो कॉन्सेप्ट है, बोकायगो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री जो है हमेशा इवॉल्व होते रहा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो रहती है दिन ब दिन स्ट्रिंजेंट होती जाती है, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर जो है वो पीपीएम में या परसेंटेज में रिजेक्शन की बात नहीं करता है। यानी कि डिफेक्ट अगर आती है प्रोडक्ट में तो कस्टमर बोलता है कि मुझे हर एक प्रोडक्ट सही चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए पैसा दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरर का छोड़ दीजिए कि आप साबुन खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, बड़ी कंपनियां हैं। हम आज इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। आप सपोज मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, आपने मोबाइल खरीदा या शैम्पू खरीदा या पेन खरीदा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पेन का ही। पेन आपने खरीदा और आपने ₹5 में पेन खरीदा, पेन में कुछ डिफेक्ट निकला, एक कंपनी का पेन था, आपने पेन के कंपनी को कॉल किया और कंप्लेन किया कि सर इसमें ये डिफेक्ट है, ठीक है ना। अगर कंपनी बोलता है आपको, सर मैं तो लाखों पेन बनाता हूँ, एक पार्ट डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना, एक पार्ट में डिफेक्ट आ गया, चलेगा, ये चला लीजिए आप, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके लॉजिक को एक्सेप्ट करेंगे? आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उस पेन की कीमत दी हुई है। आपको इससे मतलब नहीं है कि कस्टमर जो है कितना प्रोडक्ट बनाता है ना, कि वो 1000 पार्ट बना रहा है या 1 लाख बना रहा है या 50 लाख बना रहा है या 100 करोड़ बना रहा है। आपने जो पैसा दिया है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि उस पैसे के हिसाब से आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो प्रोडक्ट सही मिले आपको, ठीक है ना, ये आपका हक भी है। उसी तरह से अगर सोचते हैं तो जो आपका कस्टमर है, चाहे आप उससे छोटा सा पार्ट आपसे खरीद रहा हो या कोई प्रोसेस आप करके दे रहे हो, प्लेटिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप छोटा सा वेल्डिंग कर रहे हो, आप स्टाम्पिंग कर रहे हो, फोर्जिंग कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, आप बेरिंग सप्लाई कर रहे हो, ग्रीस सप्लाई कर रहे हो, आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए पैसा देता है कि नहीं, कस्टमर आपको पैसा देता है, तो कस्टमर आपसे डिफेक्टिव मटेरियल क्यों लेगा? इसलिए आज इंडस्ट्री में जीरो डिफेक्ट पे बात होती है, यानी कि बात होती है कि डिफेक्ट फ्री मटेरियल चाहिए, और डिफेक्ट फ्री करने के लिए काफी सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओकायुके। ओकायुके जो है ये जापानीज वर्ड है, ठीक है ना, ओकायुके जापानीज वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ओकायुके, ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं समझने के लिए इसका मीनिंग क्या है, जापानीज में युकेरी का मतलब होता है अवॉइड, ओका का मतलब होता है मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक को अवॉइड करना। सिंपल सा जापानीज का ये एक शब्द है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि मिस्टेक को अवॉइड करो, ठीक है। अब हमारे लिए क्या जापानीज वर्ड, इसलिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है इस कॉन्सेप्ट को। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मिस्टेक प्रूफिंग या मिस्टेक को अवॉइड करना ये किसी और कंट्रीज में नहीं चल रहा था, सैकड़ों सालों से लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे पोकायुके नहीं कहते हैं या मिस्टेक प्रूफिंग नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपने रोजमर्रा के लाइफ में सोचते ही हैं कैसे मिस्टेक नहीं हो, गलतियां नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर्मली अगर इंडस्ट्री में बात करें तो बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में कॉइन की गई, उसको इवॉल्व करवाया गया एक सिस्टमैटिक तरीके से। उसमें अगर हम लोग योगदान की बात करें तो सिगियो सिंगो जो है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है पोकायुके कॉन्सेप्ट में। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो सीजीओ सिंगो वही आदमी है जिन्होंने की SMED कॉन्सेप्ट भी दिया था, यानी कि सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। और सीजीओ सिंगो वही बंदे हैं जिन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलपमेंट करने में भी टोयोटा को हेल्प किया था।
जब टोटा प्रोडक्शन सिस्टम डेवलपमेंट करने की बात हुई थी और जब टोटा की टीम जब अमेरिका विजिट की थी, तो उसमें से सीजीओ सिंह जो भी एक टीम मेंबर थे, तो सीजीओ सिंह को टाइची ओनो और कुछ और मेंबर साथ में गए हुए थे यूएस में। उनका काफी बड़ा योगदान है अगर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। तो इन्होंने 1960s में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है ना। अब चीजों को डेवलप करने में, इवॉल्व होने में टाइम तो लगता ही है, तो धीरे धीरे करके ये चीजें इवॉल्व होती गई और अब ये इस रूप में हम इसको जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो होता है इवॉल्व होता रहता है, और आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में शायद इंडस्ट्री 5.0 की बात करेंगे। हालांकि इंडस्ट्री 4.0 2011 में ही आ गया था, लेकिन अब 2022 में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजों में हम मतलब इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम ह्यूमन डिपेंडेंट रहेंगे, तो सीजीओ सिंगो ने ही इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि पोकाइको कॉन्सेप्ट को इन्होंने डेवलप करवाया था, इवॉल्व करवाया था, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है पोकाइको का, मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि ऐसा बनाओ सिस्टम कि मिस्टेक हो ही नहीं, अगर इंसान चाहे तो भी गलती नहीं हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पर्पज होता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी को खत्म करना है, अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, तो बोलता है कि फिर ऐसा बनाओ कि एटलीस्ट इजिली डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, यानी कि पहले तो करो ऐसा काम कि मिस्टेक्स आर इम्पॉसिबल टू बी मेड। डिजाइन ही ऐसा कर दो, प्रोडक्ट का डिजाइन या प्रोसेस का डिजाइन ऐसा कर दो, सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक द मिस्टेक्स। बट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी? द नेक्स्ट स्ट्रेटजी शुड बी टू मेक द और टू डिजाइन द प्रोसेस इन सच ए वे सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, डिटेक्ट द कॉजेस, और इन द वर्स्ट सिनेरियो डिटेक्ट द डिफेक्ट, है ना। एक तो होता है कॉज का डिटेक्शन, दूसरा होता है कॉज का सॉरी डिफेक्ट का डिटेक्शन। वैसे अगर मैं बात करूं इम्प्रूवमेंट की, तो उसमें हम तीन लेवल में मोस्टली बात करते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन ऑफ द कॉज, जिस कॉज के वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस कॉज को प्रिवेंट कर दो, खत्म कर दो कि आई वो कॉज ही नहीं आए। अगर कॉज को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी डिटेक्टिंग द कॉज, कि कॉज को डिटेक्ट करो। और अगर कॉज को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन योर थर्ड स्टेप शुड बी टू डिटेक्ट द डिफेक्ट, कि एटलीस्ट डिटेक्ट को हम डिफेक्ट को डिटेक्ट कर ले, मतलब पकड़ ले उसको, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं मिस्टेक प्रूफिंग की, यानी कि मिस्टेक को हम प्रूफ करेंगे, ऐसा सिस्टम बनाएं कि मिस्टेक नहीं आए। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं एरर की, मिस्टेक्स की, होता क्या है आखिर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मिस्टेक? सो डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज करेक्ट राइट और ट्रू, है ना। देयर इज अ स्टैंडर्ड एवरीवेयर, देयर आर सम सिस्टम्स व्हिच इज मेड बाय और डेवलप्ड बाय पीपल बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव टू फॉलो दोस स्टैंडर्ड्स। Something is not happening as per the standard, that's a mistake, है ना? कुछ अगर standard के हिसाब से नहीं हो रहा है, somebody is not following some set rules, that means he is making a mistake. तो जो भी deviation है, जो कि correct procedures है, उसके बाहर चला जा रहा है। For example, दो part लगा के assembly करना था, एक part लगा दिया, part को उल्टा लगा दिया, क्या है? जो standard norm है, उसके गलत कुछ कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? Mistake. अब इस mistake को proof करना है, मतलब ऐसा कुछ करो कि मिस्टेक हो ही नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ओल्ड वे, तो पुराना ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्या करते थे, है ना, ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, किसने अगर गलती किया तो उसको झाड़ लगाई, स्कोल्ड पीपल, झाड़ लगा दिया, बड़ा बेकार काम कर रहा है तू, अगली बार करेगा तो तेरा सैलरी काट लूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली क्या होता, झाड़ना एक कॉमन तरीका होता था। हालांकि अभी भी बहुत सारी कंपनियां जो कि नए कॉन्सेप्ट को नहीं जानती है, नए प्रैक्टिसेस को नहीं फॉलो करती है, उनमें अभी भी चलता है कि गलतियां होती रहती है, उसको बार बार बुलाते हैं, झाड़ लगाते हैं, अगली बार करोगे 5 रुपए काट दूंगा, अगली बार करोगे 10 रुपए काट दूंगा। वो बंदा समझ नहीं पाता कि मैं करूं क्या, मेरे को पैसा तो काट रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं करूं क्या, मुझे वो तो बता ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, उनको पता ही नहीं होता है या उनका थॉट प्रोसेस उस लेवल में मैच्योर ही नहीं होता है कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो कर ले। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्कर्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए
और सिस्टम इक्विपमेंट को ऐसे डिजाइन किया जाए विथ विच इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी मिस्टेक. दैट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट एंड द टॉप मैनेजमेंट टू डिजाइन द प्रोसेस, टू डिजाइन द प्रोडक्ट, डिजाइन द सिस्टम एंड हैंड ओवर द सिस्टम टू द वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स टू मैनेज देम प्रॉपरली. और उसके लिए भी उनको एजुकेट करना और ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना. तो स्कोल्ड करना, रिट्रेन करना एंड टेल देम टू बी मोर केयरफुल, और उनको बोलना कि भाई अगली बार से ध्यान देना. इससे होगा क्या, कुछ हद तक ये काम करता है लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगले करना क्या है. न्यू वे क्या है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन इजी वे टू डू अ जॉब. जॉब को इतना इजी बनाओ, इतना परफेक्ट बनाओ, इस हिसाब से डिजाइन करो सो दैट आदमी को सोचना नहीं पड़े, हम वर्कर पर डिपेंडेंट नहीं रहे. सिस्टम ऐसा बनाए ताकि वो चाहे तो भी गलती नहीं हो पाए, क्योंकि मैन पावर अट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है इंडस्ट्री का. लोगों को रिटेन करना बहुत बड़ा इशू है. आए दिन लोग छोड़ के जाते रहते हैं. किसी को यहाँ पर 500 रुपये की सैलरी मिल रही है, किसी को 1000 रुपये की सैलरी मिल रही है पर डे का, या जो भी है किसी को 10,000 की सैलरी मिल रही है, 11,000 मिलता है छोड़ के चला जाता है, वहां से फिर 12,000 मिला छोड़ के चला गया, 15,000 मिला छोड़ के चला गया. तो आदमी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना. तो इम्प्लॉई को रिटेन करना बहुत टफ जॉब होता है. तो रिटेन तो करना है, उनको मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग करना है, वो सब तो करना ही है. लेकिन पैरेलली जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये जॉब भी बनता है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना. इसके लिए हम लोग मिस्टेक प्रूफिंग कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं. पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर कैन बी ड्रामेटिकली रिड्यूस, इसे हम काफी कम कर सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज मिस्टेक प्रूफिंग? मिस्टेक प्रूफिंग इज द एक्टिविटी ऑफ अवेयरनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक्स. यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें प्रिवेंशन करेंगे, साथ ही साथ जहां पॉसिबिलिटी है डिटेक्शन का सिस्टम लगाएंगे और लोगों को अवेयरनेस भी देंगे. इससे हुआ क्या, आवर कस्टमर एंड कंज्यूमर्स उनको डिफेक्ट फ्री मटेरियल मिलेगा, और इम्प्लॉइज को क्या होगा, उनका सेटिस्फेक्शन बनेगा, एंड दे वोंट बी फेसिंग एनी इंजरी, दे विल बी वर्किंग इन ए सेफ एनवायरनमेंट, एंड देयर वुड बी लेस वेस्ट इन द सिस्टम. वेस्ट मतलब हम जानते हैं मुदा, है ना. हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं मुदा का, 3M का, मुदा, बुरा एंड बुरी, दीज आर बेसिकली वेस्ट. तो वेस्ट को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. जब हम बात करते हैं अवेयरनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? अवेयरनेस का मतलब होता है हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, उनको बताएंगे क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम, कैसे उसको अवॉइड करना है वगैरह वगैरह. डिटेक्शन में क्या करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पकड़ना या कॉजेस को भी पकड़ना. और प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं तो नॉट अलाउिंग द पॉसिबिलिटी फॉर द मिस्टेक टू अकर इन द फर्स्ट प्लेस, प्रिवेंट करना. हम जानते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन. प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉजेस ऑफ फेलियर, है ना, टू प्रिवेंट अकरेंस. पहले फेज में ही हो ही नहीं प्रॉब्लम, उसको खत्म करने के लिए जो मैं एक्शन लेता हूँ उसे कहते हैं हम प्रिवेंशन, ठीक है ना. तो बेस्ट पॉसिबिलिटी है प्रिवेंशन, उसके बाद में डिटेक्शन, साथ ही साथ अवेयरनेस को भी करना. ये हमने अभी डिस्कशन किया था. ट्रेडिशनल वे में हम करते थे टिपिकली क्या, लोगों को झाड़ना, लोगों को समझाना, मोटिवेशनल टॉक देना, भाई ध्यान करो, केयरफुल रहो, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, कुछ हद तक काम करता है लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करता है, ठीक है ना. वेस्ट वे क्या होगा, मिस्टेक प्रूफिंग, ताकि हम पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दे जहां तक हो सके. आप जानते हैं कि जब पुकायोकी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पुकायोकी जो कि फॉर्मली रजिस्टर्ड है, अब चूंकि हमने बात किया सीजीओ सिंगो का, उन्होंने इस्तेमाल किया था. तो क्या किया था, कैसे किया था और क्यों किया था, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है ना. तो सीजीओ सिंगो एक कंपनी में एक प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे. उन्होंने क्या देखा, इन द ओल्ड मेथड अ वर्कर बिगेन बाय टेकिंग टू स्प्रिंग्स आउट ऑफ ए लार्ज पार्ट बॉक्स एंड देन असेंबल द स्विच. स्विच का असेंबली करता था वर्कर, और उसको स्विच का असेंबली में दो स्प्रिंग का इस्तेमाल करना होता था. एक बॉक्स था, बॉक्स में बहुत सारे स्प्रिंग भरे हुए थे, उसमें से दो स्प्रिंग लेगा, स्विच में डालेगा, असेंबली करके रख देगा. लेकिन बहुत बार ऐसे कंप्लेन आती थी कि एक स्प्रिंग ही लगा हुआ है, यानी कि एक स्प्रिंग मिसिंग है. कभी कभी तो ऐसे भी केसेस हुए थे कि
दोनों के दोनों स्प्रिंग ही नहीं लगे हुए थे। अब इसका क्या करें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम थी। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो सीजीओ सिंह ने क्या किया, एक मिस्टेक प्रूफिंग किया। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी हाई फंडा नहीं है। क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, वर्कर जो था जो असेंबली करता था उसके सामने में एक एम्प्टी प्लेट रख दिया। एम्प्टी प्लेट के बगल में उनका असेंबली करने का स्टेशन है, स्टेशन यानी कि स्विच का, और उसके बगल में जो बॉक्स है जिसमें कि स्प्रिंग रखा हुआ है। अब उनको क्या बोला गया कि जब भी आप स्विच को लोगे असेंबली करने के लिए तो साथ ही साथ दो स्प्रिंग निकालो और उसको प्लेट में रख दो। अब उसके बाद में स्विच को जब असेंबली कंप्लीट करोगे तो देखो कि दोनों के दोनों स्प्रिंग जो है स्विच में लगे हैं कि नहीं लगे। अगर प्लेट खाली है इसका मतलब हो गया कि आपने दोनों स्प्रिंग इसमें लगा दिया है। तो एक सिंपलेस्ट तरीका था, इसमें नहीं कोई सेंसर लगाया है, ना कोई बजर सिस्टम लगाया हुआ है, है ना, इस तरह से कुछ भी नहीं लगाया है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिंपल तरीका से उन्होंने शुरुआत किया था। हालांकि इसके करने से भी क्या हुआ, प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि स्विच का असेंबली करने के बाद में एक नजर डालता था कि भैया प्लेट खाली है कि नहीं है, और स्विच को लेने से पहले दो स्प्रिंग निकाल के प्लेट में रख देता था, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका भी काम कर गया और प्रॉब्लम ये खत्म हो गई। ये था पहला ओकायो के डिवाइस, ठीक है ना। तो न्यू प्रोसीजर कंप्लीटली एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ द मिसिंग स्प्रिंग, ये प्रॉब्लम खत्म। आप जानते हैं, हमने बेसिक थोड़ा जान लिया ओकायो को होता क्या है। चूंकि ये छोटा सा ब्रीफ सेशन है इसलिए हम चीजों को ब्रीफली ही जानेंगे। तो हमने जाना कि ओकायो होता क्या है, कैसे इवॉल्व किया, क्यों इंपॉर्टेंट है, किसने इसका डेवलपमेंट किया या इन्वेंशन किया, हम किस क्रेडिट देते हैं उसको जाना। फर्स्ट ओकायो डिवाइस क्या है जाना। अब जानते हैं हम कैटेगरी ऑफ ओकायो की। तो अगर ब्रॉडली अगर बात करें कैटेगरी ऑफ ओकायो की, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मिस्टर शिवम तिवारी, यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन? यस सर, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्रीवियस पेज? क्या सर, कैन यू एक्सप्लेन प्रीवियस पेज? प्रीवियस पेज कौन सा, ये वाला? यस सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस इशू। ठीक है, मैं टीम में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी सुना है, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? एनीबॉडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? यस सर, आई कैन एक्सप्लेन सर। हाँ मिस्टर, ये पोका योका का ये शुरुआती सिस्टम है जिन्होंने अपना सिंगो साहब ने किया था। तो इसमें से स्प्रिंग के साथ वो स्विच भी उठाना होता था और स्प्रिंग को प्लेट में रख देना होता था और फिर उसको फिट करना होता था। तो इससे होता क्या था कि प्लेट खाली हो जाता था तो उसे फिल हो जा, तो उसे पता लग जाता था कि हमने स्प्रिंग को फिट कर दिया है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि जो स्विच की असेंबली होती थी उसमें फील्ड से कुछ कंप्लेन आता था कस्टमर से कि स्विच में स्प्रिंग लगा नहीं है या एक ही स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लेट को रख दिया और ऑपरेटर को बोला गया कि इसको असेंबली करने से पहले दो स्प्रिंग को उठा के आप प्लेट में डालोगे और उसके बाद में दोनों प्लेट में से एक एक स्प्रिंग लेना है, स्विच में असेंबली कर देना है। और जब स्प्रिंग असेंबली करने के बाद में स्विच को जब आप उनके बॉक्स में डालोगे, एक नजर डाल दो एम्प्टी प्लेट, मतलब प्लेट में, प्लेट अगर खाली है इसका मतलब आपने दोनों स्प्रिंग को असेंबली कर दिया है। कर दिया, ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए हमको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो काफी लोग क्या होते हैं ना, जब हम लोग किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत ही हाई एंड चीजों पर चले जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और ओकायो का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जहां पर कि कंपनी ने सिंपल सॉल्यूशन कैसे निकाला है। एक कंपनी थी और कंपनी में कंपनी जो थी साबुन बनाती थी, एक ब्रांडेड कंपनी, और मार्केट से उसे कंप्लेन आ रहा था कि जो साबुन है कुछ बॉक्सेस में, यानी कि एम्प्टी बॉक्सेस मार्केट में जा रही थी और उसमें साबुन रहता ही नहीं था। तो कंप्लेन इतना सीवियर हो गया कि कंपनी के चेयरमैन के पास में भी कंप्लेन आने लगे कि आप लोग चीटिंग करते हो, आप एम्प्टी साबुन के बॉक्सेस को मार्केट में सेल कर रहे हो। अब उसके लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था क्योंकि जानबूझ के तो कर नहीं रहा था, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली चेयरमैन को कॉल आया हुआ तो चेयरमैन क्या करेगा, सारे टॉप बॉसेस को बुला लेगा, उनको झाड़ लगाएगा कि भाई प्रॉब्लम मुझे खत्म चाहिए। टॉप बॉसेस को कंप्लेन आई है, झाड़ लगी है, चेयरमैन ने साहब ने बोला है, तो क्या करना है। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और उसके बाद में हाई एंड टेक्नोलॉजी पूरा इस्तेमाल किया, कुछ एक्सरे मशीन वगैरह दो लगाया,
बड़े बड़े कंसल्टेंट को हायर किया, टॉप इंजीनियर्स को उन्होंने मशीन पे लगा दिया कि आप सारे बॉक्सेस को जो साबुन के बॉक्सेस है उसको एक्सरे मशीन में स्कैन करोगे, ठीक है, दो दो बार स्कैन करना, दो दो एक्सरे मशीन में, और इंजीनियर लोग चेक करेंगे, और उसके बाद में अगर बॉक्स एम्प्टी रहेगा तो एक्सरे मशीन जो रहेगा वो पकड़ लेगा, ठीक है। खर्चा काफी हो गया, अच्छा खासा करोड़ों रुपए खर्चा हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस कंपनी में एक ऑपरेटर ज्वाइन करता है, दसवीं पास था, और वहां पर वो काम करते करते उसको एक महीना हो गया। फिर एक दिन पूछता है कि हमने इस एक्सरे मशीन को क्यों लगाया, तो बोलता है कि हमने एक्सरे मशीन इसलिए लगाया था, सारा रीजन बताता है। तो बोलता है कि हमने इतना करोड़ रुपए का एक्सरे मशीन लगाया है, लेकिन इसके जगह में अगर हम ऐसा कुछ कन्वेयर बेल्ट लगा देते जहां पर कि उसके नीचे में हम एक पंखा लगा देते, ठीक है ना, और अगर साबुन का पैकेट खाली रहेगा, इसमें साबुन नहीं रहेगी, तो हवा से उड़ जाएगा, तो हमको एक्सरे मशीन लगाने की जरूरत क्या है, और हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सुन के तो लाइन का जो मैनेजर था उसने सर पकड़ लिया, बहुत लॉजिकली बात कर रहा है, वहां पर तो पंखा लगा दिया, दो पंखा लगा दो, एक पंखा अगर फेल होगा दूसरा पंखा उड़ा देगा, खाली बक्सा फनल लगाना, फनल लगा दो ताकि हवा भी वहां पर कंसंट्रेट करेगा, और उन्होंने उसको ट्राई किया तो बहुत इफेक्टिव था, तो किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि कन्वेयर बेल्ट से, रोलर बेल्ट से साबुन जाएगा, पंखा लगाएगा, खाली बॉक्स रहेगा तो उड़ के चला जाएगा, तो डब्बा रख दिया, खाली बॉक्स डब्बे में जमा होते जाएंगे, तो प्रॉब्लम खत्म, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत बार हम लोग चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि जब तक कोई टेक्नोलॉजी बड़ा इस्तेमाल नहीं किया तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हमको क्रिएटिविटी भी देखना है। इनोवेशन का मतलब नहीं होता है कि हमको सिर्फ पैसा खर्चा करना है, अगर वो कॉस्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं या बिना ऑटोमेशन का हम कुछ ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जो कि कम खर्चीला हो, तो पहले वो इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। वापस आते हैं, तो हमने बात किया है पोकायो के कैटेगरी के बारे में। दो मेजर कैटेगरी होती है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन, थोड़ा बहुत हमने इस पर चर्चा किया है पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रिवेंशन, व्हाट एग्जैक्टली डिटेक्शन। तो चीजों को एग्जांपल से समझना आसान होता है, तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन का मतलब होता है ऐसा कुछ करो आप डिजाइन में प्रोडक्ट के कि वो होना ही पॉसिबल नहीं हो। अभी आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं, हो सकता है काफी लोग इसे अनजान हो, कि यंग जनरेशन के जो लोग रहते हैं इन्होंने शायद उसको देखा भी नहीं होगा, लेकिन जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में अभी जो हम लोग आजकल पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके पहले डीवीडी आया, उसके पहले सीडी आया, उसके पहले का टाइम का चीज है ये, 3.5 इंच का कंप्यूटर डिस्केट इसको इस्तेमाल करते थे, और ये भी जब हमारे पास हुआ करता था तो बड़ी खुशी होती थी कि यार देखो मेरे पास में मेरा अपना अलग सा मेरा ये फ्लॉपी डिस्क है जहां पर मैं अपने डेटा को सेव कर सकता हूँ, और इसमें कुछ ही मेगाबाइट का डेटा ही सेव होता था, लेकिन उसी में बड़ी खुशी मिलती थी। आज के टाइम में तो हम जीबी क्या टीबी में बात करते हैं, टेराबाइट में, ठीक है ना। तो ये जो है ये सिस्टम जो था कंप्यूटर में, आप इस फ्लॉपी ड्राइव को उल्टा नहीं लगा सकते हैं, ये लगेगा ही नहीं। यानी कि डिजाइन ऐसा किया गया है कि आप उसको अगर अपसाइड डाउन अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये प्रिवेंशन टेक्निक हो गया। अगर अभी डिटेक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एक इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस है, तो इस लाइन में पिस्टन रॉड का इंडक्शन हार्डनिंग होता है, तो रॉड जो है इंडक्शन हार्डनिंग होता है। अब इंडक्शन हार्डनिंग में हम क्वेंचांट यानी कि क्वेंचिंग करने के लिए क्वेंचांट का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल होता है, ऑयल और वाटर का जो सॉल्यूशन वगैरह होता है, तो इसका टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल होता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया प्रॉब्लम है, घट गया तो ये प्रॉब्लम, घटने में शायद दिक्कत नहीं आएगी, बढ़ने से प्रॉब्लम होगा, हीटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक सिस्टम लगाया हुआ है जो कि अलार्म करेगा, यानी कि ये डिटेक्ट कर देगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, आप इसको कंट्रोल करो। तो ये प्रिवेंट नहीं करेगा, लेकिन आपको अलार्म बजाएगा, टैं 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 करके बता देगा, देखो आपका क्वेंचन का टेम्परेचर इज हाई, काइंडली डू समथिंग, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये डिटेक्शन हो गया। काफी बार आपने देखा होगा कि हमारे जो घरों में जो पानी की टंकियां होती है, पानी की टंकी में अगर मैं डिटेक्शन की बात करूं,
पानी की टंकी जब भर जाती है तो क्या होता है, स्पीकर लगा हुआ होता है, उसे कनेक्शन होता है सिस्टम का, और उसमें आवाज आती है कि पानी की टंकी भर गई है ना, बंद कीजिए। वो क्या हो गया, वो डिटेक्शन मैकेनिज्म हो गया। और अगर प्रिवेंशन की बात करूं तो प्रिवेंशन में जैसे कि हमारा आरओ सिस्टम होता है, आरओ सिस्टम आपने देखा होगा कि पानी जब एक लेवल से नीचे आता है तो आरओ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, पानी दोबारा ऑटोमेटिकली भरता है, फिर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, यानी किसी का ह्यूमन इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रिवेंशन में चला जाएगा। अब मेरे ख्याल से किसी ने हैंड रेज किया है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? हेलो, हाँ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? सर, कैन यू एक्सप्लेन अवेयरनेस? सॉरी सर, कैन यू एक्सप्लेन अवेयरनेस? अवेयरनेस वाला पॉइंट जो था, जो कि मैंने पहले ही बताया था, अवेयरनेस बेसिकली होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का चीज होता है, जहां पर कि वी आर मेकिंग अवेयर पीपल। जैसे कि समझो, यहां पर मैंने इस तरह का कोई डिवाइस नहीं लगाया टेम्परेचर को चेक करने के लिए, लेकिन ऑपरेटर जो काम कर रहा है इस लाइन पे, तीनों शिफ्ट में तीनों ऑपरेटर होंगे, मैंने उनको अवेयरनेस दिया कि भैया देखो कि जब आप यहाँ पर काम करो ना, तो क्वेंचेंट जो यहाँ फ्लो कर रहा है उसको जरा ध्यान देखना, या हाथ से टच करके देखना, ठीक है ना, कि अगर लगेगा कि गर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा गर्म होगा, तो उसको तुम कुछ कंट्रोल करना, या तो थर्मोमीटर पकड़ा दिया है कि तुम्हें काम करना हर एक घंटे में थोड़ा टिप करके इसको चेक करना। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये अवेयरनेस वाली चीज है, जहां पर कि मैनुअली आप लोगों को सेंसिटाइज करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि कम इफेक्टिव होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर ऑप्शन नहीं है तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। ओके सर, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हम इंस्पेक्शन पर रिलाय क्यों नहीं करते हैं, हम फुकायो की क्यों बात कर रहे हैं, क्या हम इंस्पेक्शन करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? डिफेक्ट निकलेगा तो निकलने दो, क्या प्रॉब्लम है, इंस्पेक्शन कर लेंगे, हमारे पास में तो इंस्पेक्टरों की फौज है ना, हमारे पास में रिसिप्ट इंस्पेक्शन है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन है, पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर है, फाइनल इंस्पेक्टर है, और भी लगा रखा हमने, डॉक ऑडिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, इंस्पेक्टर हवलदारों की फौज है, वो सारे पकड़ लेंगे, तो इंस्पेक्शन इफेक्टिव नहीं है क्या, ये सवाल मेरा आप लोगों के लिए, बताइए। नहीं है सर, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर तो सारे कंपनी में होती है ना, इंस्पेक्शन हम सैंपलिंग बेस पे करेंगे, आगे सैंपलिंग में से पकड़ में आगे नहीं आया तो फिर वो कस्टमर एंड पे जाएगा सर। इंस्पेक्शन सैंपलिंग पे होता है, और सैंपलिंग में अगर कोई प्रोडक्ट पकड़ में नहीं आया तो डायरेक्ट कस्टमर से मीट करेगा, और 100% सैंपलिंग करना किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है सर, भले कितने भी ज्यादा इंस्पेक्टर हो। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे सर, हां बोलिए सर, लेकिन इंस्पेक्टर पे हमें डिपेंड नहीं रहना, हमें तो प्रोसेस को मैन इंडिपेंडेंट बनाना है, ये कंपनियों का व्यू, वो तो करना ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इंस्पेक्शन तो हम करते हैं, इंस्पेक्शन क्या इफेक्टिव नहीं है? बहुत बार आपने देखा हो कंपनियों में जब इंस्पेक्टर कुछ गलती करता है तो सुपरवाइजर या इंजीनियर आकर उसको झाड़ लगाता है कि सही से इंस्पेक्शन करना नहीं आता है, तू यहाँ पर खड़ा है चेक करता है फिर भी कैसे चला गया डिफेक्टिव मटेरियल, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, ठीक है ना, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर, आप जो स्लाइड पर देख रहे हैं ना, दो ब्लैक कलर के जो बॉक्सेस है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें, डॉक्यूमेंट कंट्रोल इज क्रिटिकल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, सबको दिख रहा है? तो ये जो सबको दिख रहा है, अभी छोटा सा एक्सरसाइज ये है कि आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं और आपको काउंट करना है कि इन दोनों बॉक्सेस में लेटर आई जो है कितनी बार है, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, अपना अपना काउंट करें, और काउंट करने के बाद में आंसर अपने पास में रखिए, जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा। तो 2 मिनट का टाइम आपके पास में है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, काउंट कीजिए टोटल लेटर आई कितनी बार है दोनों बॉक्सेस में, ठीक है, हो गया सबका? Yes, आप बताइए आंसर। हो गया 22 सर, टोटल 22। दूसरा 20 27। तीसरा 27 28। और 28 है 28 27 27 27 है सर।
26. होल्ड कीजिए, आगे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना, इसका आंसर कितना है मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन पर्पस वो नहीं था। पर्पस ये है कि अभी जो सेशन अटेंड कर रहे हैं सब लोग, सारे के सारे लोग जो हैं सीनियर लेवल में हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना, डिफरेंट है। और हाँ, और क्या है, अगर अभी आप लोग देखें तो आप लोगों का जो आंसर है सब लोगों ने गलत बताया। गलत बताया मतलब सब लोगों ने अलग अलग बताया, तो आंसर तो एक ही सही होगा, है कि नहीं? इसका मतलब कितने सारे गलत आंसर हमने बताया। तो हम जब आराम से संडे को घर पर बैठ के कंप्यूटर पे, है ना, काउंटिंग करने वाला काम में अगर हम लोग गलती कर सकते हैं, सिंपल सा टास्क है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 घंटा शॉप फ्लोर में गर्मी में खड़े होके जो इंस्पेक्टर या जो प्रोडक्शन का बंदा जो काम कर रहा है वो इंस्पेक्टर नहीं करेगा? डेफिनेटली नॉट सर, है ना। तो पर्पस यही है कि हम उनका कंडीशन भी समझे और उनका लाइफ को बेटर बनाए, मतलब हम सिस्टम को ऐसा बना के उनको दें और ऐसा सिस्टम को डेवलप करें ताकि गलतियां नहीं हो। एज फार एज पॉसिबल हम उसको ह्यूमन इंटरवेंशन से खत्म कर दें, ताकि आदमी की जरूरत पड़े भी तो वो क्रिएटिविटी लाए, डिफरेंट करे। जो रूटीन के मोनोटोनस एक्टिविटीज हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले, ठीक है ना, ऐसा कुछ करे। अभी जो मैंने पंखा लगाने वाली बात की थी वो भी एक तरीके का टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा खर्चा है और मेरा काम भी बन गया, ठीक है ना। इस तरीके का चीजों का हम इस्तेमाल करें कंपनी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो पर्पस ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेटिंग इंस्पेक्शन कैन रियली हेल्प रिड्यूस द वेस्ट इन योर प्रोसेस, बट ओनली इफ यू एलिमिनेट इट फॉर द राइट रीजन। इंस्पेक्शन को भी हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन पर्पस इंस्पेक्शन को खत्म करना नहीं है। इंस्पेक्शन के बदले में हमको ऐसा सिस्टम लगाना है ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना, तब जाके हम इंस्पेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर वेस्ट की बात करते तो इंस्पेक्शन ऑल्सो डज नॉट एड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वैल्यू कोई एड नहीं करता है, लेकिन हम उसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन करने से हमको डेटा मिलता है, डेटा से हमको एनालिसिस करने में और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलता है, ठीक है ना। अब हम लोग ह्यूमन एरर की बात करते हैं, क्योंकि टिपिकली जो प्रॉब्लम जब आती है जिसके लिए हम पुकायो की वगैरह देखते हैं, मोस्टली जो होती है ह्यूमन एरर से पर्टेनिंग होती है। और मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, जहां पर कि मैंने देखा है कि जब कस्टमर कंप्लेन आता है तो अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग बैठ के जब एनालिसिस करते हैं और जब उसका रूट कॉज निकालते हैं तो रूट कॉज बड़ा अच्छा सा निकलता है कि क्या रहता है, ऑपरेटर नेग्लिजेंस, है ना, कि ऑपरेटर जो था वो उसका नेग्लिजेंस था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम निकल के आई। ऑपरेटर नेग्लिजेंस है बहुत से, बहुत तो इंस्पेक्टर नेग्लिजेंस बहुत ही कॉमन होता है, चाहे उसके लिए वो 5y एनालिसिस कर ले, चाहे फिशबोन डायग्राम बना ले, 5-6 टूल लगाने के बाद में लास्ट में रिजल्ट जो निकलता था रूट कॉज यही निकलता है कि ऑपरेटर या इंस्पेक्टर का नेग्लिजेंस, ठीक है ना। और एक्शन क्या होगा, उनको ट्रेनिंग दे दिया और ट्रेनिंग देने के बाद में ठीक हो जाएगा सारा, ये चलता नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग देना ठीक है, लेकिन आपने सिस्टमैटिक रूट कॉज निकालना है कि सिस्टम में क्या इशू था जिसको आपने करेक्ट कर लिया कि अब वो दोबारा नहीं। तो ह्यूमन जो एरर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इसमें कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको हमको समझना जरूरी है, तो थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं उसके बारे में। पहला हो गया फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाना, ये इंसान की फितरत है कि वो भूलता है, ठीक है। दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग। सुपरवाइजर ने कुछ बोला और उसने कुछ समझा और किया कुछ और, ये भी बहुत आम चीज है, इससे भी एरर आता है। नेक्स्ट जो है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। पार्ट के प्रोसेस के जो आइडेंटिफिकेशन रहते हैं अगर उसमें गलतियां हैं उसके वजह से भी आदमी की गलतियां हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर तरह के प्रोडक्ट जो है अलग अलग बिन में रखे हुए हैं और टैगिंग जो था कुछ गड़बड़ था, या टैगिंग था नहीं, या आइडेंटिफिकेशन गलत था, उसमें से क्या होगा, आदमी गलती कर सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर एक्सपीरियंस नहीं है और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। विलफुल यानी कि इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीजर और रूल। रूल बना दिया आपने, प्रोसीजर बना दिया, लेकिन आपने उनको समझाया सिखाया नहीं ठीक से। पर्सन इज इग्नोरेंट अबाउट द सिस्टम। इनअवर्डेंट और स्लॉपीनेस मतलब ढीलापन। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा
प्रोसेस रहता है जहां पर कि थोड़ा सा फास्ट मतलब फुर्तीला काम करना होता है, बंदा ढीला डाला है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्लोलीनेस, स्लो काम करना, स्लो प्रोसेस को करना, उसके वजह से ही प्रॉब्लम हो सकता है। तीन लोग काम कर रहे हैं, चार लोग काम कर रहे हैं सेम प्रोसेस पे, कुछ पार्ट को लोड करना है, टाइट करना है, कुछ भी करना है, दो लोग फास्ट है एक बंदा स्लो है, उसके वजह से ही प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया ठीक तरीके से। चार फास्टनर लगाना था, चार नट लगाना था, M10 का है, M12 का है, M14 का है, M16 का, अलग अलग लगा दिया, उसके वजह से भी गलतियां हो सकती है। तो जहां तक हो सके स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। सरप्राइज, ऐसा कुछ काम है जिसमें कि कुछ अचानक से होता हो तो ऑपरेटर को गलतियां कर सकता है वहां पे। इंटेंशनल, ये भी होता है, बदमाशी, बॉस ने झाड़ लगा दी, अब ऑपरेटर ने बोला चल मैं भी देखता हूं तू कैसे आराम से बैठता है, कल तो एक कंप्लेन आएगा, तेरे को झाड़ पड़ेगी तुम्हारे बॉस से, और जानबूझ के वो कुछ गलतियां करके छोड़ देगा कस्टमर के पास। कंप्लेन आएगा प्लांट हेड के पास में, प्लांट हेड उसको बुलाएगा बॉस को, बॉस को झाड़ लगा और ये देख के उसको मुस्कुराएगा कि देखो मैंने बदला ले लिया। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली, लेकिन चांसेस बनते हैं इंटेंशनल। इंक्रीमेंट नहीं दिया, सैलरी नहीं बढ़ाए, जानबूझ के ऑपरेटर को बदमाशी करेंगे। ऑपरेटर ही नहीं, कोई भी कर सकता, सुपरवाइजर भी कर लेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि मिस्टेक प्रूफिंग के सिस्टम लगाए भी रहते हैं लेकिन उसको बाईपास करके भी काम किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है कि उसमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है तो बाईपास कर दो, तो ये भी होता है ठीक है ना। तो सर एक बार और रिपीट कर देना सर, किसको ये 5 नंबर के बाद एक बार और रिपीट कर देना सर। विलफुल मतलब इग्नोरेंस होता है, मालूम नहीं है। स्लोपीनेस मतलब ढीलापन, स्लोलीनेस मतलब स्लो काम करना, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है चीजें, अचानक से सरप्राइज में कुछ काम हो रहा है उससे भी आदमी घबरा जाता है, गलती कर सकता है, और इंटेंशनल मतलब जानबूझ के बदमाशी करना ठीक है। ऐसे सर स्लोपीनेस और स्लोलीनेस में डिफरेंस क्या है, मीनिंग तो एक ही हुआ, एक ढीलापन और एक स्लो काम कर रहा है, दोनों चीज एक ही हुई। देखो ढीलापन मतलब आदमी थोड़ा ढीला ही है, स्लोलीनेस मतलब स्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन ठीक है ना। ओके ओके हाँ वो हो सकता है, कुछ लोग रहते हैं उनका मतलब अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन होते हैं कुछ लोग वो उतने फुर्तीले नहीं होते हैं, कुछ लोग कभी कभार होते हैं ठीक है ना, वो रीजन भी हो सकता है। थैंक यू सर। पोकायो के प्रिंसिपल जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये अल्टीमेटली आपको ये हेल्प करेगा कि हम किस तरीके से चीजों को पोकायो कर सकते हैं, आइडियल सिनेरियो क्या है, बेस्ट तरीका कौन सा है और नेक्स्ट लेवल ऑप्शंस क्या होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम अच्छे मिस्टेक प्रूफिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला जो है द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एलिमिनेशन, सेकंड इज रिप्लेसमेंट, थर्ड इज प्रिवेंशन, फोर्थ इज फैसिलिटेशन, फिफ्थ इज डिटेक्शन एंड सिक्स्थ इज मिटिगेशन ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ब्रीफ में ठीक है, क्योंकि पोकायो के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में इसमें रखा है, हमारे जो लीन एक्सपर्ट गोल्ड प्रोग्राम है उसमें रखा हुआ है। तो अगर किसी को पोकायो के समझना है डिटेल में तो उस कोर्स को बाय कर सकता है। वैसे हमारे प्लान में है हम मिस्टेक प्रूफिंग पोकायो के ऊपर एक्सक्लूसिव एक और कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो अभी जो आज कंटेंट आप देख रहे हैं शायद इसका उस जो मेन कंटेंट का 1/20th पार्ट होगा, थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी डिटेल में कंटेंट रहेगा कि कैसे कैसे हम उसको प्लान करें, कैसे टीम फॉर्मेशन करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, और बहुत सारे चीज़ों के अलग अलग एग्जांपल्स, केस स्टडीज, आइडेंटिफिकेशन करने के तरीके वो सारे उस कोर्स में रहेंगे ठीक है ना। लेकिन उस पर काम बाद में होगा, अभी कुछ और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। पहला देख लेते हैं प्रिंसिपल जो है एलिमिनेशन, अच्छा पॉसिबिलिटी है, ये बहुत बढ़िया है अगर इसको आप कर पाए। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर दें इस तरीके से कि जो हो रहा है, जिस पार्ट की जरूरत पड़ रही है, जिस काम को करने की जरूरत पड़ रही है, वो जरूरत ही खत्म हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि वो मिस्टेक होगा ही नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है। वॉशरूम सबको मालूम होगा, सिंपल एग्जाम्पल है। वॉशरूम में अक्सर क्या होता है, लोग जाते हैं लाइट ऑन करते हैं, या बहुत बार आपने देखा हो कि इस तरह के जो टैप वगैरह रहते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, फॉसेट करते हैं इसको, तो इसको भी ऑन कर दिया,
और उसके बाद में बंद करना भूल जाते हैं और इस्तेमाल करके चले गए। लाइट ऑन है और ऑन ही रह गया, पानी निकल रहा था पानी निकलता रह गया, तो बहुत वेस्ट होता है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सेंसर लगा दिया गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कि आदमी का जो ऑन ऑफ करने का जो रिक्वायरमेंट था वो खत्म कर दिया आपने। आदमी अंदर आएगा लाइट ऑन हो जाएगी, जहां जहां ट्रैवल करेगा वहां का लाइट ऑन होता चला जाएगा, सेंस करता रहेगा, यानी कि मोशन सेंसर रहेगा। उसी तरीके से हाथ आप यहाँ पे लगाएंगे पानी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, कुछ देर तक चलेगी, अपने हाथ हटाया पानी बंद हो जाएगा। इसमें क्या किया आपने, एलिमिनेशन कर दिया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोसेस डिजाइन में चेंज करके अगर ये कर पाए तो ये बेस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। सेकेंड जो हमारा प्रिंसिपल है ये है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग जो मेरा तरीका है आई वुड बी रिप्लेसिंग दैट प्रोसेस विद सम सब्स्टिट्यूट प्रोसेस, ठीक है ना, मतलब कुछ मैंने ऑल्टरनेटिव लगाया, कुछ डिफरेंट प्रोसेस लगा दिया। काफी बार क्या होता है, हम मैनुअल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह मैंने क्या किया, रोबोट किया। बहुत सारे आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखेंगे कि जहां पर टिपिकली जो स्पॉट वेल्डिंग होती है शीट मेटल के पार्ट्स में, मैनुअली स्पॉट वेल्डिंग करने में बहुत सारे स्पॉट रहते हैं और गलतियां होने के चांसेस रहती है कि कुछ ना कुछ स्पॉट छूट जाएगा। तो आज के टाइम में बहुत सारे रोबोट्स का इस्तेमाल किया था अलग अलग इंडस्ट्री में, जहां पर कि प्रोग्राम किया हुआ रहता है और रोबोट गलतियां नहीं करता। गलतियां इन द सेंस कि वो स्पॉट भूलेगा नहीं, अपने जगह पर लगाएगा, जितना स्पॉट लगाना है वो लगाएगा, बाकी कुछ चीजें करनी पड़ती है ड्रेसिंग व्रेसिंग, हालांकि उसमें ड्रेसिंग वगैरह भी ऑटो ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। तो रोबोटिक या ऑटोमेशन जो होता है ये आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस विद अ बेटर प्रोसेस, आप ये कर सकते हैं। तो और एग्जांपल है कि आपको कहीं पर कुछ डिस्पेंसर लगाना था, बहुत जगह में क्या होता है एडहेसिव लगाना होता है या कुछ और ग्लू लगाना होता है, तो उसमें ऑटो डिस्पेंसर आपने लगाया हुआ तो कितना अमाउंट में निकलना चाहिए, कहाँ कहाँ पर निकलना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिकली होता है। बहुत सारी जगह में सिमिलर तरीके से मिग वेल्डिंग के लिए भी लगाए जाते हैं, मिग वेल्डिंग के लिए क्या बोलते हैं रोबोट्स लगाए जाते हैं या स्पेशल पर्पज मशीन बनाए जाते हैं SPM, जहां पर कि एक पर्टिकुलर वो पैटर्न में अपना काम करता रहता है, तो वो भी एक एग्जांपल। इसके अलावा आपने इस तरह से डिस्पेंसर देखे होंगे फूड स्टोर में। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट और प्रोसेस सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए मिस्टेक, मतलब मिस्टेक को प्रिवेंट करने के लिए आप डिजाइन बनाते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर कि लिमिट स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पार्ट अगर उल्टा लग गया या गलत लग गया या गलत पार्ट आ गई तो उसको वो चेक करके लाइन से हटा देता है, ठीक है ना। ये प्रिवेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। काफी सारे इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जहां पर कि FMCG में या मास मैन्युफैक्चरिंग वाले लाइन में काफी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं, बहुत लाखों की संख्या में कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग होते हैं या चिप्स के पैकेट वगैरह बनते हैं, तो मैनुअल यहाँ वहां पर इंस्पेक्शन हो नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो लाइन पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑप्टिकल सेंसर या ऐसे लिमिट स्विचेस वगैरह लगाए रहते हैं जो कि चेक करता रहता है अलग अलग फीचर्स को। फास्टनर इंडस्ट्री में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है और वो पर्टिकुलर फीचर को चेक करके उसको वो मतलब एक्शन। ये भी एक और एग्जांपल है, इसको हम अभी स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया हमारा फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे काम करना आसान होता है, गलतियों को करने में आप मतलब जो चांसेस रहती है जो प्रोबेबिलिटीज रहती है उसको आप कम करते हैं, कि प्रोबेबिलिटीज को कम कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, काफी सारी जगहों में आपने देखा होगा कि अलग अलग मशीनों को अलग अलग चीजों को हम कलर कोडिंग करते हैं, तो आपने इस तरह का कलर कोडिंग देखा होगा। बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रहते हैं उसमें अलग अलग तरह के जो केबल्स रहते हैं उसको कलर कोडिंग किए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड येलो और व्हाइट कलर का कलर कोडिंग है और इक्विपमेंट में भी सिमिलर तरह के नॉब्स हैं, तो मैचिंग करने में क्या होगा ईजी रहता है, ये ह्यूमनली बहुत आसान रहता है कि वो कलर को मैच कर ले। अगर इसी के जगह हम अगर 1, 2, 3 या अल्फा बीटा गामा लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा तो फिर भी थोड़ा प्रॉब्लिटी रहता, लेकिन जो विजुअल रहता है कलर वाला रहता है बहुत अट्रैक्टिव रहता है और ये काफी आसान रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो कि फैसिलिटेशन के कैटेगरी में फॉलो करता है।
फैसिलिटेशन का एक और एग्जांपल यहाँ पर है, जिसमें कि आपने देखा हो कि हमारे जो हाईवे पे अलग अलग तरीके के जो हमारे माइलस्टोन के जो लगे रहते हैं कलर कोडिंग, ये भी एक तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करता है समझने के लिए, जानने में आसानी होती है। इसमें अलग अलग कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि येलो स्ट्रिप वाला जो होता है, जो पहला देख रहे हैं आप मुंबई लिखा हुआ है, इस तरह के नेशनल हाईवे में लगाए रहते हैं। ग्रीन स्ट्रिप वाला जो रहता है ये स्टेट हाईवे में इस्तेमाल होते हैं। ब्लैक स्ट्रिप वाला जो रहता है ये सिटी वगैरह में या डिस्ट्रिक्ट के रोड में इस्तेमाल होता है, और गाँव में हम ऑरेंज वाले स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, आदमी को समझने में आसान होता है, दूर से देख के पता चलता है कि अब मैं स्टेट हाईवे में आ गया, अब मैं नेशनल हाईवे में आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पांचवा, ये है डिटेक्शन। डिटेक्शन में क्या होता है, डिटेक्ट करना, पकड़ना। ठीक है, सो आइडेंटिफाई अ मिस्टेक बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग अकर्स सो दैट द यूजर कैन क्विकली करेक्ट द प्रॉब्लम। यानी कि हम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं, हालांकि डिटेक्शन में भी हम डिटेक्टिंग द कॉज, डिटेक्टिंग द डिफेक्ट दोनों कर सकते हैं। अगर डिटेक्टिंग द कॉज कर लें, दैट इज मच बेटर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट। कॉज को जब हम पकड़ लेंगे तो कॉज को फिर हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो आपका डिफेक्ट जनरेशन होगा ही नहीं। लेकिन जब हम डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या, डिफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड, सो देयर इज सम लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, आपका रिजेक्शन हो ही गया। सो देयर इज प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट गेटिंग मिक्स्ड अप विद द ओके पार्ट्स, एंड देयर इज आल्सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट पास्ड ऑन टू द कस्टमर। ठीक है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी आपको होनी चाहिए डिटेक्टिंग द कॉज, इफ पॉसिबल। उसके लिए भी हम बहुत सारे सेंसर वगैरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट, जिसमें कि बिट्स सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कि लाइन पर इस तरह के सेंसर वगैरह लगाए रहते हैं, जो कि अलग अलग फीचर्स को चेक करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया था फास्टनर्स इंडस्ट्रीज में, या बहुत सारे FMCG के इंडस्ट्री में बहुत ही प्रोमिनेंटली इस्तेमाल होता है। एक और एग्जाम्पल है डिटेक्शन का, आप लोगों ने स्पॉट वेल्डिंग में काउंटर वगैरह देखा होगा, मशीनिंग वगैरह में काउंटर आपने देखा होगा, जहां पर कि पार्ट का वो काउंटिंग करता है, इंसर्ट वगैरह हो रही है, इंसर्ट लगाते हैं, कोई टूल लगा रहे हैं, उस समय भी काउंटर लगा रहता है कितने पार्ट इससे बन गए हैं, ताकि आप इंसर्ट को चेंज करने का या जो भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप चेंज कर पाए जो फ्रिक्वेंसी आपने सेट किया। और सिक्स जो है वो है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या हो रहा है, आप यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी, ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन जो इम्पैक्ट होगा उसका आप इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्किट बोर्ड्स वगैरह में क्या होता है, फ्यूजेस वगैरह लगा रहते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल कंपाउंड में फ्यूज होता ही है, यानी कि अगर ओवरलोड हो गया तो पहले क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तो बाकी मेरा जो इक्विपमेंट रहेगा वो सेफ होगा। लाइन बंद पड़ गई तो मुझे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि लाइन बंद पड़ गई है, तो मैं फ्यूज चेक करूंगा, समझ जाऊंगा कि ओवरलोड हुई है। ठीक है, फिर मैं एक्शन लूंगा, यानी कि क्या कर रहा है, मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के इफेक्ट को कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी काफी सारे और भी हम एग्जांपल्स इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा सिक्स एग्जांपल हो गया। तो हमने छह तरीके से हमने देखा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ मिनिमाइज द डिफेक्ट सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। मिनिमाइजिंग मतलब क्या होता है, मिनिमाइजिंग का मतलब होता है कि मिटिगेशन में कि आप प्रॉब्लम को क्रिएट होने से नहीं रोक रहे हैं। जैसे कि अगर ओवरलोडिंग हो रही है तो ओवरलोडिंग होने को आप कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोडिंग होने के वजह से जो इम्पैक्ट होता है, आपका पूरा का पूरा इक्विपमेंट जल जाता, तो आपने जलने से रोक लिया, आपने क्या किया, फ्यूज एक लगा दिया, तो फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज छोटा सा है, 50 पैसे का, 1 रुपए का है, आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका दोबारा सिस्टम चल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज मिटिगेशन। हेलो सॉरी सर, हाँ जी सर, एलिमिनेशन और रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसमें एलिमिनेशन और रिप्लेसमेंट में बताया ना मैंने एग्जांपल के साथ। एलिमिनेशन मतलब आपने डिजाइन चेंज किया, डिजाइन आपने चेंज किया कि उस एक्टिविटीज को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट मतलब क्या किया, आपने कुछ अल्टरनेट प्रोसेस का इस्तेमाल किया, आपने एक्टिविटी को खत्म नहीं किया है। वेल्डिंग कर रहे थे, वेल्डिंग ही कर रहे हैं, लेकिन जो मैनुअली वेल्डिंग कर रहे थे, अब आपने उसके जगह में रोबोट किया, सो यू आर रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस विद अ न्यू वन। हेलो, हाँ जी हेलो
सर मुझे वो फैसिलिटेशन का जरा एक कर देंगे मुझे एक्सप्लेन थोड़ा। फैसिलिटेशन का मतलब होता है फैसिलिटेट करना ताकि चीजों को पकड़ने में आसानी हो। जैसे कि कलर कोडिंग हम करते हैं, आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह आती है, बार्स वगैरह आते हैं या शीट मेटल के जो मटेरियल पैकेट रहते हैं उसमें हम लोग कलर कोडिंग करते हैं, है ना, अलग अलग कलर लगाते हैं। वो क्या है, फैसिलिटेशन होता है ताकि हमको ग्रेड्स को पकड़ने में आसानी हो, समझने में आसानी, कलर कोडिंग जो करते हैं फैसिलिटेशन। थैंक यू सर। ठीक है, विजुअल इंडिकेशन बहुत सारे जगहों में इस्तेमाल किया जाता है और विजुअल इंडिकेशन हम लोग फाइबर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेशन ताकि जो जो वर्कर्स हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उनको चीजों को इस्तेमाल करने में आसानी। अगर मैं इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वर्कर सुपरवाइजर की बात करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोकायो को जो है सिर्फ हम वहीं पर इस्तेमाल करें, हम घरों में भी बहुत जगहों में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रिवेंशन की बात करता हूँ तो हमने वॉशरूम का देखा, एक और सिंपल सा एग्जाम्पल है आपने डोर में देखा होगा कि हाइड्रोलिक डोर क्लोजर लगाते हैं, वो भी एक प्रिवेंशन ही है क्योंकि डोर में अक्सर होता है कि हम दरवाजा खुला कर देते हैं और बंद करना भूल जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एसी चल रहा है, कोई बंदा आया दरवाजा खुला खोला और खोल के चला गया, बंद करना भूल गया, तो एसी की हवा बाहर जा रही है। अब मैंने क्या किया है, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर लगा दिया है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो बंद कर देगा, तो इट्स अ प्रिवेंशन। ठीक है ना,